नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए भर्ती के बारे में फुल डिटेल। तो दोस्तों, आर्मी ने टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए 2020 में जो भर्ती होने वाली है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल, जैसे कि हाइट कितनी होगी। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ दोस्तों, 160 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में एज आपकी 18 से 42 साल होगी। आपका ये 10th पास होना अनिवार्य होगा। और ये भर्ती दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती पूरे भारत के लिए है, मतलब जोन वाइज भर्ती है। 4 जोन में भर्ती होगी और इन 4 जोनों में पूरी इंडिया के लिए कवर किया गया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों उस नोटिफिकेशन फॉर्म पर जहाँ पर ये सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020, इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपके लिए बता दूँ, टेरिटोरियल आर्मी इन्वाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020, वेयर कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट डायरेक्टली एट द रेलवे साइट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, आपके लिए इस भर्ती में कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपके लिए डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में भर्ती की रैली साइट पर जाना। अब आपके लिए जाना कहाँ पर है उसके बारे में मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस स्टेट के और किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो आपके लिए किस राज्य में, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती देखने के लिए, भर्ती में शामिल होने के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जोन वन की। तो जोन वन में आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड चंडीगढ़। जोन फोर में आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। जोन टू में है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जोन फोर और जोन टू दोनों में ही है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है, इसीलिए इसके लिए जोन दो जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जोन थ्री, इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किस किस पोस्ट में भर्ती होने वाली है उसकी डिटेल मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ। पोस्ट नेम यहाँ पर आपका होगा सोल्जर जनरल ड्यूटी, उसके बाद में सेकंड होगा आपका सोल्जर क्लर्क और थर्ड होगा सोल्जर ट्रेडमैन। तो दोस्तों, आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी, क्लर्क और ट्रेडमैन, इन तीनों पदों के लिए यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए की तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई है। वैकेंसी चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यूनिट की डिटेल दी गई है कि किस यूनिट में आपके लिए भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, जोन वन में यूनिटें होंगी 103 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिखलाई, नंबर दो पे है 162 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई, नंबर तीन पे है 163 इन्फेंट्री बटालियन टीए एंड नंबर चार पर है दोस्तों 157 सिख। तो यहाँ पर वैकेंसीज इन यूनिटों में कितनी होंगी उनकी डिटेल मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा, कमिंग सून लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इनकी डिटेल हमारे पास में पहुँचेगी हम आपके लिए तुरंत बता देंगे। रैली डेट की अभी तक जो रैली की डेट होगी दोस्तों वो अभी तक कंफर्म नहीं की गई है, तो जैसे ही वो डेट आएगी मैं अपना इस वीडियो का पार्ट सेकंड बनाकर आपके लिए डेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही इन भर्ती के बारे में कुछ और डिटेल हमारे पास में अवेलेबल होगी तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए उसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर दोस्तों लोकेशन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 103 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिखलाई, लोकेशन लुधियाना में। तो मतलब जो जोन वन में है, यहाँ पर मैंने जो बताया जोन वन, यहाँ पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो ये दोस्तों भर्ती देखने के लिए जाएंगे, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार जगह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे लुधियाना, श्रीनगर, इस तरह से दो नेम और नीचे दिए हुए हैं, तो इनके लिए यहाँ पर ही जाना होगा भर्ती देखने के लिए। उसके बाद में जोन टू में जो राज्य मैंने ऊपर बताए हैं वो भुवनेश्वर, फतेहगढ़ में दोस्तों राजपूताना रेजिमेंट है फतेहगढ़, और डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद में जा सकते हैं। तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है, डोगरा ग्राउंड दोस्तों फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो जोन टू वाले यहाँ पर जाकर अपनी भर्ती देख सकते हैं।
उसके बाद में रैली डेट और वैकेंसी की जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आप तक पहुँचा दूंगा। जोन थ्री में दोस्तों जो स्टेट्स मैंने ऊपर बताए थे उनके लिए भर्ती के लिए लोकेशन होगी तेजपुर आसाम, नागालैंड और बेंगदुबई मिलिट्री स्टेशन। और जोन फोर में दोस्तों जो यूनिट हैं वो आप देख सकते हैं 109 इन्फेंट्री बटालियन मराठा लाई, 115 इन्फेंट्री बटालियन महार रेजिमेंट एंड 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास रेजिमेंट एंड 123 इन्फेंट्री बटालियन। तो दोस्तों यहाँ पर जोन फोर में जो मैंने ऊपर स्टेट बताए हैं उन स्टेट्स के जो लोग होंगे, जो बंदे होंगे, वो कोल्हापुर, बेलगांव, कन्नूर, केरल में है दोस्तों कन्नूर ये, और यहाँ पर भी सेम प्लेस, मतलब ये दोस्तों कन्नूर में इनके लिए भर्ती देखने के लिए जाना होगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की यहाँ पर हम बात करेंगे, सोल्जर जीडी के लिए दोस्तों आपके लिए 10th पास विद ओवरऑल 45% एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट्स 10th पास हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर्ती देख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि उनके 10th पास में मिनिमम सेकंड डिवीजन यानी कि 45% मार्क्स अनिवार्य हैं और हर सब्जेक्ट में उनके 33 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सोल्जर क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो सोल्जर क्लर्क के लिए आपको प्लस टू होना चाहिए और आपके पास में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। तो मतलब ओवरऑल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट में आपके 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन में दोस्तों भर्ती होगी यहाँ पर हाउसकीपर, चीफ कम्युनिटी, वॉशरमैन, मैस कीपर या और हेयर ड्रेसर एंड स्टीवर्ड। तो इनके लिए दोस्तों 10th पास होना अनिवार्य होगा प्लस ITI होगा। एज मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, थंबनेल पे ही आपने देख लिया होगा 18 से 42 साल दी हुई है सभी भर्ती के लिए एज, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 18 से 42 साल की एज दी गई है। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड आपका दोस्तों हाइट 160 सेंटीमीटर ली जाएगी यहाँ पे, वेट 50 kg और चेस्ट आपका होगा 77 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी या उससे कम में, और बीम आपके दोस्तों 10 होंगे, 9 फीट डिच होगी नीड टू क्वालिफाई और जिगजैग बैलेंस होगा नीड टू क्वालिफाई। तो आपके बीम में और रनिंग में आपके लिए जो है मार्क्स मिलेंगे, बीम दोस्तों 40 नंबर के होते हैं और आपकी जो रनिंग है अगर आप एक्सीलेंट पास करते हैं तो आपको 60 नंबर रनिंग में मिलते हैं, और जिगजैग और 9 फीट डिच में आपको केवल क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। फिजिकल मेजरमेंट के बाद में दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट जो आपका होगा ये ऊपर दिया हुआ है हाइट और चेस्ट वगैरह, ये आपका रैली साइड पर होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट की जो भी डिटेल होगी दोस्तों वो आपको रैली साइड पर मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों TA भर्ती के बारे में कुछ जानकारी। तो इस भर्ती में मैंने आपके लिए बता चुका हूँ कि जोन फोर होंगे, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो बंदे यहाँ पे दोस्तों जोन ए में रहने वाले हैं, जो जोन ए में इन स्टेट्स में रहने वाले हैं वो भर्ती के लिए जाएंगे यहाँ पर लुधियाना, श्रीनगर और ये हैदरीबैग एंड BD-Bari मिलिट्री स्टेशन। उसके बाद में जैसे जोन टू में हैं, जोन थ्री में हैं, जोन फोर में हैं, वो इस तरह से जोन टू, जोन थ्री एंड जोन फोर में भर्ती के लिए जाएंगे। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है यहाँ पर, और आपके लिए कोई भी अप्लाई नहीं करनी है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जानी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके इस भर्ती के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसे ही मैं वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज हैं और रैली डेट कब है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे वहां पर जाके पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।